हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं न्यू मॉम्स के लिए कुछ चीज़ें बोलने के लिए आई हूँ, जो कि न्यू मॉम्स है और अभी बेबी को डिलीवर किया है, तो उनके खाने पीने का रूटीन और क्या करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कब कब खाना खाना चाहिए, आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी महिलाएँ अभी डिलीवर किए हैं अपने बेबी को, तो वो जो भी खाती हैं, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी पोषण उनको मिलता है, उसका जो सीधा सीधा असर है उनके बच्चे पर पड़ता है। बच्चे पर क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं। तो जो भी माँ खाएंगी, जिस तरह से माँ अपने रूटीन को फॉलो करेंगी, उसी तरह से बेबी को भी वो चीज़ मिलने वाली है। तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एज अ मदर आपको वो सारी चीज़ें इनटेक करनी है, खानी है, जिससे आपकी हेल्थ तो ठीक हो ही, साथ में आपका जो बेबी है, जो बिल्कुल एकदम नया है, उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए ही आपको सोचने की ज़रूरत है बीइंग अ न्यू मदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपके खाने का टाइम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, नियमित खाने का एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह में 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 4 बजे लंच कर रहे हो, डिनर का कोई पता ही नहीं। तो इस तरह का जो टाइम शेड्यूल है आप पहले किए होंगे, लेकिन अब बिल्कुल आपको ये एंड कर देना चाहिए। एज अ मदर आपको अपने बच्चे के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बेबी होना चाहिए, उसके लिए आपको अपना टाइम शेड्यूल को बिल्कुल सीधा करना चाहिए, बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। क्यों? मैं मानती हूँ कि आप जो एज अ मदर, जो बच्चा बहुत छोटा है, रात भर सोता नहीं है, इसीलिए माएँ भी जगती हैं रात भर और सुबह उठने में लेट होता है, लेकिन आपके अपने हेल्थ का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सुबह में जो टाइम होता है कि ब्रेकफास्ट आपको 8 से 9 के बीच में बिल्कुल कर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपको ऐसे खाना खाना चाहिए जो कि जो आपका स्टमक तो फुल हो ही, साथ में आपके बेबी का भी स्टमक फुल हो जाए। हेल्दी जो फूड्स होते हैं वो खाने चाहिए, फ्रूट्स, मिल्क, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी जो ब्रेस्ट फीड मॉम है उनको एक दिन में 2000 से 2100 कैलोरी लेना बहुत ज़रूरी है। जो ब्रेस्ट फीड मॉम्स होते हैं, नॉर्मल जो मॉम्स होती हैं, नॉर्मल जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं, मतलब उससे 400-500 कैलोरीज ज़्यादा जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं मॉम्स, उनको खानी चाहिए, अपने खाने में लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट आपको टाइम से लेना चाहिए और जो भी न्यूट्रिशन है वैसा ही खाना खाना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपके बेबी को प्रॉब्लम ना हो। खाना आपको गुड प्रोपोर्शन में लेना चाहिए। गुड प्रोपोर्शन मतलब कि आप जो खाना खा रही हैं अपने खाने में जो ले रही हैं, जैसे दाल हो गया, तो आप 1 से 1.5 कटोरी दाल लें, उतनी ही आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आपको लेने चाहिए अपने खाने में। इसी के साथ जो जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने से आपका बेबी का जो स्टमक है वो फुल रहेगा। इसके साथ ही जो दाल आती हैं, जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, वो आप अपने खाने में रेगुलर लें, दोनों टाइम लें। उसके साथ ही जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी अपने खाने में शामिल करें। जो न्यू मॉम्स होती है ना, उनको अपने खाने में रोज़ विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा 3, फैटी एसिड, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी हैं। और ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? बिल्कुल आपको दूध में मिलेंगी, दही में मिलेंगी, पनीर में मिलेंगी। ये मतलब आप समझ सकते हो कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि घी, उसमें भी आपको मिलेंगी। तो डेली आप अपने खाने में घी, दही या फिर आप पनीर का यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, दूध आप पिए, क्योंकि आप अगर रात में गुनगुना दूध पिएंगे ना सोने के पहले, तो आप देखोगे कि आप बहुत फ्रेश फ्रेश सा फील कर रहे हो और आपके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। डेली जो है आप 2 टाइम ज़रूर गुनगुना दूध पिए। और पानी की मैं बात करूँ तो पानी आपको पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो पीनी ही चाहिए। तो अगर आप अपना जो हेल्थ है उसका ध्यान बेबी होने के बाद इस तरह से रखोगे,
तो आप भी जो है जल्दी रिकवर हो जाओगे और बहुत जल्दी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका बेबी है वो भी अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसको फुलफिल मिलेगी और जितना मिल्क बच्चे के लिए ज़रूरी है उतना मिल्क प्रोड्यूस भी होगा। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको इम्पॉर्टेंट लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करती हूँ। और जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ तो आपके पास पहले चला जाए। तो चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो को, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ।